नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बुधवार का दिन ईरान के लिए अच्छा दिन साबित होता दिखाई नहीं दे रहा। एक तो अमेरिका से उसके रिश्ते जो दिन ब दिन और तल्ख होते जा रहे हैं, दोनों देश एक दूसरे को धमकाने में लगे हैं, और उसके बाद ईरान का इराक के अमेरिकी दूतावासों पर हमला, और फिर ईरान में विमान हादसा जिसमें हादसे के वक्त पूरे 180 यात्री और कुछ क्रू मेंबर सवार थे। इतना क्या कम था कि अब खबर आ रही है कि ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ईरान के बुशहर के पास 4.9 की तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बुशहर में ईरान का एक परमाणु प्रतिष्ठान भी है, जिसके बाद से ईरान में डर और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान के साथ साथ पपुआ न्यू गिनी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पपुआ न्यू गिनी से 131 किलोमीटर दूर किम्बे में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने इसकी जानकारी दी। पपुआ में भूकंप का केंद्र 116.75 किलोमीटर गहराई पर 5.1549 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 151.2578 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया। भारत के समय के अनुसार ये भूकंप सुबह करीब 7:50 के आसपास आया। अभी तक भूकंप के चलते किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिल पाई है। ईरान में भूकंप के झटकों ने अमेरिका के साथ बढ़ती तनातनी को और बढ़ा दिया है। अब लोगों में और ज्यादा डर बैठ गया है कि न जाने आगे चलकर दोनों देशों के बीच में क्या होने वाला है।